क्या आप दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं? क्या आपने CUET का फॉर्म भरना मिस कर दिया? क्या आपने CUET का फॉर्म गलत भर दिया? क्या आपने CUET का फॉर्म भरा है लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी ऐसी नहीं है, मैं तैयारी वैसी नहीं कर पा रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू द बच्चा हुआ ज्वाइनिंग द कोचिंग प्रिपेयरिंग वेल और मैं तैयारी नहीं कर रहा, फिर भी आप दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े जो अफोर्डेबल हो, रिलायबल हो, डिग्री की वैल्यू हो, ऐसा क्या तरीका है ऐसे बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि CUET शायद उनसे ना हो पाए या उन्होंने फॉर्म भरना मिस कर दिया लेकिन फिर वो अब प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाना चाहते, उनके लिए मैं एक यूनिवर्सिटी और उसके कोर्सेज लेकर आया हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले साल ही लॉन्च किया था। इनके 19 कैंपसेज हैं और 30 कोर्सेज हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। इनके टाइअप्स TCS से है, इन्फोसिस से है, ब्लू स्टार से है, रिलायंस से है। इस कोर्स में केवल आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते पढ़ते सीखेंगे, 3 साल तक आप काम करेंगे और आपको डिग्री मिलेगी। आप BCom कर सकते हैं, आप BA कर सकते हैं, आप BMS कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं, आप BCA कर सकते हैं, आप BTech कर सकते हैं, जो मन चाहे कर सकते हैं। एक एवरेज बच्चा जिसके 50% मार्क्स केवल क्लास 12th में है, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, 50% मार्क्स होने के बाद भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके फॉर्म्स अभी ओपन हैं, आज पेपर में बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट आया है। हर बच्चे को इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए जो एक एवरेज बच्चा है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स, KVs के टीचर्स, नवोदय विद्यालय के टीचर्स, प्लीज अपने बच्चों को गाइड करें और उनको बोले इस फॉर्म को भरे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाके वहाँ लैक्स एंड लैक्स रुपीज़ देने से अच्छा है कि इसमें जाएं। यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बच्चों को बहुत जॉब, एक तरह समझिए कि क्योंकि उनको स्किल पे ही डेवलप किया जा रहा है, उनको इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड है उसी वही एजुकेशन दी जाएगी, इसलिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। हर टीचर को अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि इसके लिए अप्लाई जरूर करें। जो लैक्स ऑफ रुपीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं जिस BBA कोर्सेज़ के लिए, BMS कोर्स के लिए, BCA कोर्स के लिए, यहाँ 4,000-4,500 रुपए मंथली की फीस में, लगभग 50,000 रुपए का आपका एनुअल फीस है, उसमें बच्चा बहुत आराम से BBA, BCA, BMS, ऐसा भी है कि बच्चे के पास मैथमेटिक्स नहीं है, वो BMS करना चाहे तो यहाँ पे कर सकता है, कहीं और नहीं कर सकता। बहुत अच्छा कोर्स है, बच्चों को बताइए, DSEU.ac.in पर जाए, कोर्सेज को देखे, जो जिस कोर्स में उसका इंटरेस्ट है, उसको लैंग्वेज कोर्स करना है, उसको टेक्निकल कोर्स करना है, उसको जो मन करे उसका कि नहीं जी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्स करना है, बैंकिंग से रिलेटेड कोर्स करना है, बहुत तरीके के ग्रेजुएशन डिग्रीज, डिप्लोमा डिग्रीज, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और हर बच्चे के रीच में है। ऐसा नहीं है कि केवल 90% वाला ही यहाँ जा सकता है, कोई भी बच्चा इस पर अप्लाई करे, नो डाउट कंपटीशन होगा, कंपटीशन के अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये एक अच्छा कोर्स है। इसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके और मैं वहाँ पे पार्टनरशिप में अपने कॉलेज मुझे भेजता है और मैं 2-3 साल वहाँ काम करता हूँ, तो अगर मेरे सीनियर्स जो है जिनके अंडर में मैं काम करता हूँ उनको मैं अच्छा रखता हूँ तो दे विल रिकमेंड माई नेम फॉर द हायरिंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो एवरेज बच्चे हैं, जो बहुत पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जो 90% वाले नहीं हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, जो KVs के हैं, जो लो इनकम ग्रुप के बच्चे हैं, वो इसको तो ज़रूर अप्लाई करें। और दूसरे बच्चे भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वही BBA कोर्स करने के लिए, वही BCA कोर्स जिसको ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, आप दिल्ली में रहेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यानी रिकग्निशन एंड ऑल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बच्चे को इसको अप्लाई करना चाहिए। टीचर से मेरा विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इसके एजुकेट करें। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो जरूर एक बार वेबसाइट पर जाके इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को देखें और अगर उनको अपने बच्चों के लिए सुटेबल लगता है तो उसको अप्लाई करें। थैंक यू।